हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्नियर बीबी क्रीम की रिव्यू। एंड इसे मैंने नायका से परचेज़ किया है एंड आपको मैंने हॉल वीडियो में भी इसका दिखाया था मैंने इसे। एंड दोस्तों, ये है गार्नियर बीबी क्रीम। ये छोटा पाउच पे ही मैंने ख़रीदा है, मतलब छोटा बॉक्स है इसका। एंड इसका MRP पड़ा है 85 रुपीज़ समथिंग, इसका MRP है। आपको ये 85 में मिल जाएगा। एंड ये आपको नायका पर्पल हर एक मेकअप की स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक बीबी क्रीम है जो कि मैंने आपको इस्तेमाल करके भी दिखाया है। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है गार्नियर स्किन नेचुरल ब्राइट कॉम्प्लेक्शन विटामिन सी बीबी क्रीम, ब्राइटर लुकिंग स्किन, हेल्दी ग्लो, जीरो इनपरफेक्शन, इवन स्किन टोन। 8 आवर्स तक ये आपको मॉइस्चराइज भी देता है, ये ऐसा भी लिखा हुआ है। एंड ये SPF 24 PA++ के साथ ये आता है। एंड ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। एंड ये आपकी एक बीबी क्रीम से भी ज़्यादा ये एक क्रीम टाइप का इसका फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है एक बार। एंड दोस्तों, ये बात सच है कि ये आपको एक बीबी क्रीम के साथ साथ एक मॉइस्चराइजिंग लुक भी देता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। एंड इस पर एक 24 PA++ एक मतलब यूवी SPF भी है, जो आपकी स्किन को सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन पे ये आपको देता है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये थोड़ा सा ही आपकी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट को हाइड कर सकता है। मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए मैं इसका मतलब आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि ये कैसा वर्क किया मेरी स्किन पे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ। एंड मैं आपको इसका बॉक्स जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसका बॉक्स इस तरीके का है एंड ये है प्रोडक्ट। सो आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का मिलेगा। एंड ये जो प्रोडक्ट है, इसे आप बैग में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका छोटा सा ही ट्यूब है। एंड इसे आप एज अ क्रीम, एज अ बीबी क्रीम, हर एक चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा मेकअप करने की आदत नहीं है तो, एंड पसंद भी नहीं है, तो आप इस तरीके का क्रीम फार्मूला के साथ बीबी क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। सो दोस्तों, ये है इसका ट्यूब। मुझे इसका ट्यूब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये है इसका प्रोडक्ट। सो चलिए, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पॉन्स की बीबी क्रीम ज़्यादा ही कवरेज लगा गार्नियर की बीबी क्रीम से, ये बात सच है। क्योंकि पॉन्स की बीबी क्रीम जो है वो आपको एकदम कवरेज देता है, फाउंडेशन वाला लुक देता है, अगर आप उसका 2-3 पंप लगा लेते हैं तो। लेकिन ये आपको उतना भी कवरेज नहीं देता है। सो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये रहा गार्नियर बीबी क्रीम की पैकेजिंग, जो कि है इसका ट्यूब। एंड आप देख सकते हैं ये जो बीबी क्रीम है, ये कितना ज़्यादा रनी प्रोडक्ट है, कितना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म पे ये आता है। इससे आपको हाइड्रेशन अच्छी तरीके से मिल जाता है, क्योंकि इस पर क्रीम ज़्यादा है एंड ये आपको उतना कवरेज नहीं देता है दोस्तों। एंड अगर आप कवरेज वाला बीबी क्रीम चाहते हैं तो आप मेबेलिन या तो फिर पॉन्स पे जा सकती हैं। लेकिन आपको गार्नियर की बीबी क्रीम अगर आप चाहते हैं कि आपको एकदम ही क्रीम वाला प्रोडक्ट मिले, लाइट कवरेज वाला प्रोडक्ट मिले, तो आप गार्नियर की बीबी क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड सबसे पहले मैंने अच्छी तरीके से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था, सनस्क्रीन कर लिया था, उसके बाद ही मैंने इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई किया है। एंड देन मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पर। एंड अच्छी तरीके से मैं इसे अपने आईज़ पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, आईज़ के डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। एंड ये इतनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा था, हाथों की मदद से ही अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो रहा था। एंड अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप हाथों से ब्लेंड कर सकती हैं, या तो फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकती हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा
रिज़ल्ट मिलेगा। एंड उसके बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर के बाद। सो इससे मुझे एक अच्छा सा एवरीडे वाला कवरेज मिल गया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे फाउंडेशन की लाइट कवरेज ही अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा। एंड आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत से ब्लेंड हो रहा है। एंड इसके ऊपर आप एक कवरेज वाला पाउडर अप्लाई कर लीजिए, देन आपका जो मेकअप बेस है वो बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगा एंड आपका बेस जो है वो एवरीडे के लिए रेडी है। एंड आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा इसने मेरी डार्क सर्कल को कवरेज नहीं किया है, लेकिन एवरीडे के लिए ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही बार में नहीं हुआ। एंड मैं इसे अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। मैं देखना चाहती थी कि इसने कंसीलर वाला काम किया है कि नहीं, सो मैं थोड़ा सा और इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर अब आप 2-3 बार अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं तो ही जाके ये थोड़ा बहुत कवरेज आपको देता है दोस्तों। एंड मैं फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे मैं इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, जी हाँ। सो तब जाके ये मुझे एक अच्छा सा कवरेज दिया है। एंड मुझे तो इस तरीके का लाइट कवरेज वाला ही अच्छा लगता है, फाउंडेशन लुक, बीबी क्रीम लुक। दोस्तों आपने देखा कि मैंने इसे किस तरीके से अप्लाई किया। सो आप भी इसे एवरी डे पर्पस अप्लाई कर सकते हैं एंड आप इसे एवरी डे में इस्तेमाल कर सकती हैं। सो ये रहा मेरा आज का रिव्यू, ये रहा मेरा आज का गार्नियर बीबी क्रीम की रिव्यू आपके साथ वीडियो। सो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ईजिली पहुँच सके। एंड दोस्तों ये जो बीबी क्रीम है इसे आप एवरी डे में ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको क्रीम के साथ कुछ लाइट फार्मूला चाहिए, तो थोड़ा सा कवरेज चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। या तो फिर मैंने लैक्मी की सीसी क्रीम, पॉन्स की बीबी क्रीम, बहुत सारी बीबी क्रीम की मैंने रिव्यू किया है, तो सब में ही कवरेज है, लेकिन इसमें कवरेज मुझे बिल्कुल कम लगा। तो ये एवरी डे के लिए एकदम परफेक्ट है। सो इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, मेरी अनदर वीडियो जाके ज़रूर देखिए। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय एंड खुश रहिए।